तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खबर उज्जैन जिले के बड़दगर की जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालौदा लखा में है, जहां भ्रष्टाचार की सारी हद पंचायत सचिव और सरपंच ने पार कर दी। अगर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को देखा जाए तो शासन द्वारा कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे कि सीसी रोड कई गांव में शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, जबकि इस गांव की आबादी 3800 लगभग है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी ये गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। ग्राम बालौदा लखा में पंचायत सचिव और सरपंच की मिली भगत से गांव की एक सड़क भी ऐसी नहीं है जहां की कीचड़ से सनी सड़क नहीं मिलेगी। वहीं सरकार द्वारा कहा जाता है कि बिजली, पानी और सड़क की मूलभूत सुविधाएं सभी गांव में लगभग पहुंच चुकी हैं, लेकिन बालौदा लखा में जमीनी स्तर पर ये कहीं भी होता नहीं दिख रहा। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन बड़नगर से महेश सोनगिरा की रिपोर्ट। चतर सिंह नाम है मेरा। क्या स्थिति है इस रोड की? रोड भी देखो ना, कीचड़ बहुत हो रहा है, पानी भी नहीं, कीचड़ बहुत हो रहा है। यहाँ तक निकले की स्थिति, बच्चा बच्ची सब स्कूल में जाता है, बनवाने जाए या नहीं, आंगनवाड़ी है, मेरे स्कूल है, ये लिख रहा है, इन बच्चा बच्ची से नहीं निकला है। आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ, पहले की थी शिकायत। क्या हुआ भाई? पंचायत वाला सब जगह किधर को एक भी नहीं आया। कितने साल से ये स्थिति? ये 2-4 साल से स्थिति। नाम है आपका? मेरा नाम तलाश सिंह। क्या समस्या है? पानी बहुत गिर आ रहा है, बाहर भी नहीं निकलने दे, बच्चे बच्चे पीड़ित है, आपके सामने ये पानी भरा हुआ आ रहा है, बच्चे बच्चे गिर जाते हैं, बांधना पड़ता है उनकी टांग नहीं दे राइश से, ये आई देखवाना पड़ गया माके तो ये बन जाए गाल तो नानो बन जाओ तो कहो। ये रास्ता नहीं है क्या? यहाँ रास्ता नहीं है। फिर कैसे निकलते हैं? यानी पिल्लर के ऐसे लकड़ी के टेके टेके निकले। अच्छा, बच्चे भी गिर जाते हैं क्या? बच्चे भी गिरते हैं, स्कूल वाले बहुत, अभी 3-4 दिन भी इस पानी में गिर गया। वो तो ठीक, नहीं तो वो तो मर जा बेचारा, इतना पानी भरा के कमर कमर। आपने इसकी शिकायत की है क्या? नहीं तो खतरी तो की, पर बाकी चालन नहीं, आगे जाए नारंज काटते मिलते ही तो पंचायत आगे जावा इन दे। अच्छा, तो आपने SDM तहसीलदार सब आइए इन देखी गया, अपना अपने कहीं ना महेश पटेल काटतिया लगे गयो, हलपटिया ठोकी गयो, वो भी आई ने लिख लियो पानी में, एक नहीं होने, कोई भी नहीं होने मकी। जी सर, मेरा नाम मनोज डोडिया है। यहाँ की आप देख सकते हो कीचड़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। पीछे देख सकते हो पूरा मुख्य मार्ग पूरी तरह से कीचड़ व पानी से लबरेज भरा है। ये मुख्य मार्ग है, बच्चे यहाँ पे से निकलने में बहुत परेशानी होती है। आप देख सकते हो ग्रामीण में सारे रास्ते ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो कि मुख्य बाईपास, टावर गली, नट मोहल्ला, माली मोहल्ला, सारे मोहल्ले जो कीचड़ से लबरेज भरे हैं। यहाँ पर सारी रोड सीसी रोड प्लस नाली है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नाली या पानी वाटर जंपिंग का कोई निवारण नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है, हमने कई बार आवेदन दिए हैं, जनपद में भी दिया है, ग्राम पंचायत में भी दिया है, और अभी हमने SDM सर को भी निवेदन किया है कि सर हमारे गांव में आके हमारे गांव की वर्तमान स्थिति देखिए, लेकिन अभी तक कोई पंचायत या किसी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक पुल भी है जो 20 वर्ष, जी सर, एक पुल है जो पूरे 20 साल पहले उनका शिलान्यास हुआ था, लेकिन वो भी जहाँ पर छूटी है वहीं पर पड़ी है सर। वहाँ पर भी आए दिन हादसे होते रहते हैं, छोटे बच्चे उसको क्रॉस करते समय, किसी बच्चे का पिछले साल वहाँ पर गिरना हो गया था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था वहाँ पर, और ग्रामीण जन उससे घबरा के बच्चे, छोटे बच्चों को घर में बांध कर खेत करके रखते हैं। जी सर, मेरा नाम मनोज डोडिया है। क्या समस्या है? जी सर, समस्या आपके सामने है, पूरा गांव कीचड़ से लबरे से, यहाँ पे आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे कला पड़ जाए। क्या समस्या है यहाँ पर? अरे बहुत कीचड़ हो रहा है, बच्चा बच्ची कीचड़ में पड़ जाए और पानी में गिर जाए, ये रास्ता देख लिया पंचायत वाला कोई भी सुन ही रहा है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? करी थी बहुत सही पर करी थी, पर सुनी ही कौन है, कोई भी नहीं सुन रहा है आपकी? कोई भी नहीं सुन ही रहा, विधायक जी या कोई जनप्रतिनिधि? कोई भी नहीं। श्री राम, क्या समस्या है? हम इधर से स्कूल आते हैं ना तो पांव फिसल जाता है, गिर जाते हैं, और हम हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। अच्छा, रोज ऐसे ही रहता है रोड 12 ही महीने? सर, ग्राम बालोदा लखा में कीचड़ है और अभी तक उनको निजात मिला है, इस समय में आपके द्वारा क्या कार्रवाई? सारी गलियों में कीचड़ है सर। ठीक है, एक तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, और दूसरी रही चीज़ वहाँ बालोदा लखा का है,
तो नंबर एक वहाँ अलाटमेंट एक तो दिखवा लेंगे हम पंच परमेश्वर योजना में, उनके पास पंचायत के पास आज की स्थिति में कितना राशि है, और देन DPR में अगर वो काम जुड़े होंगे तो अभी क्या है कि DPR में जो काम लिए जाते हैं वो नंबर एक दो तीन इसके हिसाब से क्रम वाइज वो काम करवाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो निश्चित ही प्राथमिकता के तौर पे सफाई वगैरह का वो कार्य पहले करवाया जाएगा, और स्वाभाविक है कि गांव में जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए बिजली पानी सड़क, तो आप लोगों ने बताया कि वहाँ सड़कों की हालत इतनी दयनीय स्थिति है, तो मैं बिल्कुल ही वहाँ पर मैं खुद एक बार भ्रमण करूँगा और वहाँ क्या यथासंभव क्या हो सकता है मैं वो चीज़। सर निर्माण तो हुआ है सर, लेकिन घटिया किस्म का हुआ है, सही निर्माण नहीं हुआ है, घटिया सामग्री उपयोग की गई है जिसके कारण रोड उखड़ गया और आज ग्रामीण कीचड़ से परेशान है। जैसे निर्माण कार्य हुआ लेकिन घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, तो मैं मेरे टेक्निकल जो सपोर्ट है मेरे सब इंजीनियर हुए हैं AE हुए हैं उनकी टीम बना करके और उन कामों पर भी मैं जांच करूँगा।